आपका नाम? मलाइका। मलाइका आपका? पूजा। पूजा आपका? रचना घोषी। रचना घोषी आपका? दीप्ति शर्मा। शर्मा आपका? सानू जाटव। आपका? अनीशा। आपका? सिमरन जाटव। और सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम एंड वेलकम बैक टू टैक शुभम। दोस्तों, आपको इस वीडियो का टाइटल और इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि यूडी किस टॉपिक पर है। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल मैंने कोविड-19 वर्सेस टेक या फिर कोरोना वायरस वर्सेस टेक्नोलॉजी इसी रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता है कि कोविड-19 की बीमारी कितनी डेंजरस है। और दोस्तों, इसको फाइट करने के लिए यानी कोरोना फाइटर्स जो है हमारे जैसे पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और साइंटिस्ट हैं जो वैक्सीन में लगे हुए हैं खोलने के लिए, वो किस तरह से इसको फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इससे बीमारी से। और गाइस, जो वीडियो क्लिप मैंने स्टार्टिंग में चलाया उसको मैंने इसलिए चलाया क्योंकि दोस्तों आपको ये भी तो पता चले कि गाइस वो किस तरह से कोरोना के खिलाफ फाइट करने में कोरोना फाइटर्स अपनी मदद कर रहे हैं। और दोस्तों, वो क्लिप उन बंदियों का है जो कोरोना के खिलाफ फाइट करने में अपना योगदान दे रही है। और कुछ लड़के भी हैं गाइस, लेकिन गाइस उस टाइम उनकी ड्यूटी नहीं थी उनको जगह पर, जब मैं गया था उस थाने में, हमारे पास का जो थाना वहाँ पर ये ड्यूटी लगी हुई है उनकी। और गाइस वो चेक नाके पर लगी हुई हैं, वो भी उनको मदद कर रही हैं कि मास्क टाइम पर लगाएं आप गाइस, मास्क तो लगा ही रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और दोस्तों, ड्यूटी उनकी भी थी लेकिन उस टाइम उनकी ड्यूटी नहीं थी, उनका क्लिप मैं आपके लिए बना नहीं पाया। तो दोस्तों, उनका ही क्लिप मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दोस्तों उस टाइम वहीं पर वो थे। गाइस, एक सुरक्षा समिति बनाई गई है जिसके अंडर में वो कोरोना फाइटर्स अपनी फाइट कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, जिसमें लड़के भी जा सकते हैं और लड़कियां भी जा सकती हैं गाइस। उसमें मैंने भी फॉर्म डालने का सोचा था लेकिन गाइस मैं लेट हो गया उस टाइम, तो उसमें शायद फॉर्म नहीं भरा पाया मेरा उस टाइम। और दोस्तों, वो जो कोरोना फाइटर्स हैं लड़के और लड़कियां दोस्तों, वो पुलिसकर्मियों के साथ छेकनाके पर लगे हुए हैं कोरोना फाइटर फाइटिंग करने में, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि डेंजरस कितनी है ये बीमारी कोविड-19। तो बस कोविड-19 बीमारी जितनी डेंजरस है उससे आपको बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय, ये भी आपको पता है कि वो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए उनको रखा गया है। क्योंकि दोस्तों, एक वही है जो उनकी वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कायम है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी भी फैमिली है और फैमिली हमारी भी है। जैसे कि हम अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं और वैसे ही वो भी अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए उनको दोस्तों, लेकिन वो अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखेंगे जब आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग खुद नहीं बना पाएंगे दोस्तों, तो वो कैसे अपनी फैमिली की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी भी फैमिली है और उनको भी अपनी फैमिली से प्यार है गाइस, और आप भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। तो दोस्तों, मेरी ये राय आपके लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ बनाए रखें ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहें, क्योंकि दोस्तों आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहेंगे तो सारा देश अपनी अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेगा, तो दोस्तों आसानी से सारी फैमिलीज को आसानी से बचाया जा सकता है। और दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की बीमारी से निजात आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलती तो उसके लिए बस एक ही उपाय है, वो भी है सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, बस यही एक उपाय है जिससे अभी हम बीमारी से बच सकते हैं गाइस। कहीं ना कहीं ये कोरोना फाइटर्स जैसे योगदान इसमें कोरोना फाइटिंग के खिलाफ कोरोना योगदान दे रहे हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं योगदान दे रही है। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया और थोड़ा सा एक क्लिप मैंने आपके लिए चलाकर दिखाई, क्योंकि दोस्तों आप भी जान सकें कि किस तरह से कौन कौन इसमें योगदान दे रहा है कोरोना फाइटर्स के फाइटिंग में लड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो टाइटल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सारे देशों की टेक्नोलॉजी है जो इसके खिलाफ लड़ने में अपना योगदान दे रही है, और किस तरह से दे रही है इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जैसे कि 3 देश हैं दोस्तों, और भी कई देश हैं जो इसमें लगे हुए हैं, जैसे कि भारत है, अमेरिका और चीन। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल देश यानी कि अमेरिका की, अमेरिका किस तरह से कोरोना वायरस पर काबू पा रहा है। तो गाइस, अमेरिका में एक पेंडेमिक ड्रोन का निर्माण किया गया है। ये पेंडेमिक ड्रोन इस तरह से कार्य करता है कि इसमें ऐसा सेंसर लगे हुए हैं जो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कोरोना संक्रमित जो बंदे हैं या पीपल्स हैं, लोग हैं, उनका पता आसानी से लगा लेगा दोस्तों ये।
ये गाइस उनके सांस लेने की गति, उनके छींकने खांसने, भीड़ वाले जगहों पर उनका पता आसानी से लगा लेगा, उनके दिल की धड़कन को, उनके शरीर के टेम्परेचर को दोस्तों ये चुटकियों में नाप लेता है दोस्तों, किस तरह से उनका पता लगाया जा सकता है। तो गाइस ये एक ऐसा ड्रोन है, इसकी मदद से आसानी से भीड़ वाले जगहों पर संक्रमित लोगों का पता लगाया जा सकता है। कोविड-19 से संक्रमित जो भी बंदे हैं, पीपल्स हैं, उनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो गाइस ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग अमेरिका कर रहा है। अमेरिका एक काफ़ी शक्तिशाली देश है दोस्तों, इस बीमारी से निपटने के लिए उसने ये काफ़ी अच्छा एक उपाय खोजा है। तो गाइस ये एक परमानेंट तो इलाज है नहीं गाइस, लेकिन कुछ सीमित जगहों पर इसको उड़ाया जा सकता है जिसकी मदद से आसानी से उनका पता लगाया जाए। और गाइस अब बात करें चाइना की, तो चाइना किस तरह से कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने खुद के प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों चाइना में एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें एक रोबोट का निर्माण किया गया है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि उसमें चाइना में एक रोबोट बनाया गया है। रोबोट करता क्या है, रोबोट करता है गाइस चाइना में रोबोट की मदद से अस्पतालों यानी कि हॉस्पिटलों और चाइना में जो घर हैं, लोगों के घर हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है दोस्तों। उनको रोबोट की मदद से सैनिटाइज कराया जा रहा है और ताकि ये कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। और दोस्तों इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मदद के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को हद से ज़्यादा फैलने से रोका जा सके और वो निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज कर सके। तो गाइस अब बात करें हमारी ऑन कंट्री यानी हमारे भारत देश की, कि भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो गाइस भारत में एक आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। ये एक ऐसा ऐप है, ये एक ऐप है गाइस कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है, जिसमें लोकेशन और ब्लूटूथ की मदद से यूज़र को यह बताया जाता है कि वह कोरोना से संक्रमित किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में है या नहीं। सो गाइस इसमें अगर आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है गाइस, तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको यह पता चल जाता है कि आप किसी एरिया में हो, जिस एरिया में आप हो वहाँ पर एक कोरोना एक हो या कोई और भी हो, कि कितने भी बंदे हों जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित पीड़ित के कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। और दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस से पीड़ित किसी पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में हो तो होते हैं और उसकी और आपके बीच की डिस्टेंस 6 फीट की लिमिट की हो, तो आपको तब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण के कोरोना पॉजिटिव जिसके लक्षण हैं उसके कॉन्टैक्ट में आ चुके हो। सो गाइस कोविड-19 वर्सेस टैग या फिर कोरोना वायरस वर्सेस टेक्नोलॉजी का वीडियो मैंने सिर्फ इसी पर्पज से बनाया था कि आपको इस वीडियो में मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी दे सकूं, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 से लड़ने के लिए किस टाइप से किया जा रहा है। सो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से तो किया जा रहा है इस बीमारी से लड़ने के लिए। दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घरों में रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और आप किसी भी तरह से लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि दोस्तों आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी दोस्तों इस बीमारी से लड़ने के लिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार वाले और आपके सारा सुरक्षित रहेगा। सो गाइस आपके लिए मैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया था क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है और वो साइंस इसलिए इतनी आगे जा चुकी है कि वो किसी ना किसी तरह से इसकी वैक्सीन ज़रूर निकालेगी। और दोस्तों इतना मुझे विश्वास है क्योंकि दोस्तों हर कंट्री के सिटीजन को इतना तो विश्वास होता ही है कि उस कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं और अदर कंट्री के भी साइंटिस्ट हैं, उन सबको ये विश्वास होता है कि वो किसी ना किसी तरह से बचेंगे ज़रूर, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी साइंस बहुत आगे जा चुकी है। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप इस वीडियो को टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले टाइटल की तरह ना ले वीडियो की तरह, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई विवाद खड़ा हो जाए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी आपने देखा होगा कि कोई सा भी टाइटल बना देता है, कोई भी विवाद खड़ा कर देता है। अब ये कोई टाइटल, ये कोई बात भी नहीं थी कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इनको कंपेरिजन कर दिया। दोस्तों दोनों ही प्लेटफॉर्म सही थे, लेकिन गाइस मैं आपको इस वीडियो से नहीं भटकाना चाहता, आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, यही मेरा पर्पस था कि आपको मैं ये जानकारी दे सकूँ और आपको मैंने अब सारा कुछ बता भी दिया है। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो गाइस चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।